यहीं पे कर लेंगे। हाँ खड़ी चढ़ाई थी भाई, इतना बड़ा पहाड़। हाँ भाई, लेकिन आने के बाद व्यू मजेदार, वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है। इमेजिन भाई, देखो क्या व्यू दिख रहा है, मस्त व्यू। तो राम राम दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं? राम राम दोस्तों, गुड नाइट, गुड नाइट। चले जाते हैं, बाय बाय करके चलो चलते हैं फिर, बढ़िया बिस्तर लेके क्यों आए? क्या करें भाई, थमना फिसल गया तो। नहीं जो भी बोलो, इतना बड़ा पहाड़ी चढ़ने के बाद जो व्यू देखने को मिल रहा है अभी, वो लग रहा है। बाकी कल तो जोरदार बारिश हुई थी, आज के लिए भी प्रेडिक्शन है, वो जो तूफान आने वाला है ना, साइक्लोन, वो साइक्लोनिक स्टॉर्म के असर से कल भरपूर बारिश हुई थी। कैंपिंग किए थे ना हमने, आज भी कैंपिंग के लिए आए हैं, आज भी प्रेडिक्शन है बारिश के लिए। फिलहाल तो सब कुछ शांत है, कह नहीं सकते, शांत होने के बाद कभी कभी ऐसे होता ना, आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा जैसे। बाकी प्लेस तो वाइल्ड प्लेस है, काफ़ी खूबसूरत, कैसे कैसे दिखते हैं यहाँ से नज़ारे, देखिए दूर दूर से पानी के व्यू के साथ, बादलों के व्यू के साथ, चारों ओर पानी में घिरा हुआ है भाई, हम बीच में हैं, आइलैंड जैसे फीलिंग भी आ रही है। तो फटाफट से टेंट सेटअप करेंगे, हाँ। यही थोड़ा प्लेन सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे लगा देंगे। हाँ यहाँ पे ही लगा देते हैं भाई, चलो। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज बनने वाला है चिकन, चिकन का क्या आइटम बनाएंगे, तो इसी के लिए सबसे पहले उसी का ही थोड़ा काम निपटा देते हैं, मतलब उसको मैरिनेट करना होता है ना, उसको मैरिनेट कर लेंगे, फिर ज़्यादा देर मैरिनेट होके रहेगा तो और भी टेस्ट निकल के आएगा ना। हाँ भाई, तो दही डाल देता हूँ पहले, डाल दो, फिर अपने से थोड़े थोड़े कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, मतलब रेड चिली पाउडर वगैरह ऐसे कुछ कुछ थोड़ा, जम कर नए तरीके से बनाने वाले हैं। हाँ भाई, थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर देता हूँ, लाल मिर्च पाउडर, चिंता मत करो ये ज़्यादा तीखा नहीं रहेगा, ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च है ना। नहीं डाल दो भाई, 10 किलो। हाँ डाल दो, डिब्बा से ढंग डाल दो। अब थोड़ा सा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालूँ क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा डाल दो खुशबू आने के लिए। हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। थोड़ा सा मसाला पाउडर भी ऐड कर दूँ क्या? हाँ, ये गरम मसाला है या ना क्या मसाला? हाँ ये चिकन मसाला मिला के रखा था, चिकन और मीट मसाला, टू इन वन है भाई, डाल दूँ? बढ़िया है भाई, डाल दो। चीनी है, चीनी डालूँ क्या? चाय बनाओगे क्या चिकन को? नहीं तो चाय चिकन बना देंगे, देखो। तो मिला देता हूँ। हाँ मिला दो। ये बिरयानी के लिए कितना बड़ा बड़ा पीस है भाई, देखो। लेकिन बिरयानी तो नहीं बनाना है आज। क्या बनाना है? देखो बड़ा बड़ा पीस भाई, ग्रेवी बनाएंगे ना इसको। रुको एक साथ दिखा देता हूँ। दिखा दो भाई, ये देखिए बड़े बड़े पीसेस, अभी इसको ढक के रख देंगे, ठीक है? अभी लकड़ी लाने चलेंगे। हाँ ढक दो 5 दिन तक। चलो चलो भैया, टेंट को लॉक कर दिया, ताला मार दिया तो पूरा। हाँ ताला मार दिया भाई, चाबी पॉकेट में रख लिया तो। हाँ? नहीं तो कोई खोल के अंदर घुस जाएगा, देखो। नहीं तो मेरा 5 तोला का सोना है भाई अंदर। 5 तोले का सोना? इतना सोना लेके कैंपिंग में क्यों आए हो भाई तुम? कैंपिंग करने आते हो या लूटने आते हो? सच बात नहीं भाई, ढपली मारता हूँ। मुझे पता है तुम ढपली मार रहे हो। यार बादल बड़े बड़े उस तरफ देख रहे हो, लेकिन गुड़गुड़ इस तरफ से कर रही है,
और बड़े बड़े बिजलियाँ भी क्रिएट हो रही इस ओर से, तो लकड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगे भाई? वो बादल के अंदर ये बिजली कड़क रही थी भाई, उसके अंदर भी फिर से चारों तरफ से घेर लेंगे क्या हमको ये? क्या निश्चित तो भाई, वहाँ से बादल गुड़गुड़ हो रहा है, वहाँ से बिजली चक चक कर रहा है भाई। देखो भाई जल्दी जल्दी लकड़ियाँ ढूंढ लेंगे, उजाला रहते ही तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे फिर बाद में। कुछ नज़र आ रहे हैं क्या? इसे पहाड़ी वाले इलाकों पर लकड़ियाँ मिलना भी मुश्किल होता है भैया। ये केंदुफल है ना भाई, फिर से देखो केंदुफल दिख गए काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। पका है कि नहीं भाई? पका नहीं है लगता है मुझे, तो कच्चा लग रहा है थोड़ा। एक भी नहीं है, इतना ज़्यादा सारा है भाई। सीजन आएगा तो पकेगा तो तोड़ के खाएंगे। अभी फिलहाल मैं लकड़ी के चक्कर में हूँ, लेकिन इस इलाके में एक भी लकड़ी नज़र नहीं आ रही है। और इस तरफ देख रहे हैं, ऊपर से दिखाऊं तो जंगल। चलिए होप करते हैं जल्द ही अपने पास ड्रोन होगा, तो ड्रोन से ये सब जंगल दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये पीछे की तरफ कितना बड़ा जंगल है कि नहीं। हाँ, पूरा वाइल्ड एरिया, मज़ा आएगा। बहुत ही जल्द आने वाला है ड्रोन अपने पास, तब व्यू देखिएगा और भी खूबसूरत। अरे भाई पेड़ के अंदर देखो, कि चिड़िया का अंडा है क्या? वो टूट गया है या चिड़िया निकल गया? देखो तो जरा उसको हटा के थोड़ा लकड़ी। ये चिड़िया कौन सी चिड़िया का अंडा है भाई? ये बच्चा लेके भाग गया लगता है भाई। हाँ ऐसे ही लगता है, देखो टूट गया है। बच्चा हुआ हो गया लगता है। इतने छोटे छोटे अंडे मतलब कौन सी चिड़िया के भाई? मुझे भी पता नहीं है। इतना सारा मैंने कलेक्ट किया है। अरे वो देखो भाई, क्या कितना बड़ा टहनी देखो उधर। मैं ऐसे छोटे छोटे कलेक्ट कर रहा था, देखो मुझे वो दिख गया। ये तो हमारा काम हो गया लगता है। ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नहीं है? अरे बाप रे इतना बड़ा, ये बारिश में टूट गया है ये? क्या है लगता है बारिश में ही टूट गया भाई, उखड़ गया पूरा। अपनी तो निकल पड़ी रे, छोटा सा देख रहे हो? वही मैं सोच रहा था इतना बड़ा कैसे उठा के लेके जाएंगे, हमको जरूरत भी नहीं इतना सारा। हाँ साइड में देखो छोटे छोटे और भी हैं यहाँ पे देखो। अरे अपना काम बन गया भाई। ओ हो मजा आ गया, मजा। आओ भाई देख लो थोड़ा। क्या ये बड़े वाले को? काफी वजनदार होगा लगता है। वजन तो है, उठ तो रहा है, लेकिन ये नहीं भाई मेरे से नहीं होगा। दोनों उठाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जरूरत नहीं भाई। हाँ। रहने देंगे, फ्यूचर में कभी देखेंगे। फिलहाल के लिए ये वाला, ये सारे और इसके जो कुछ कुछ पार्ट्स टूट के पड़े हैं लगता है वो सारे, ये सबसे काम बन जाएगा अपना। फिलहाल तो हम ग्रुप में नहीं है, दो लोग हैं, दो लोगों के लिए इतना सारा लकड़ी, इतना बड़ा लकड़ी वेस्ट ही है, और ईंधन का वेस्ट करना अच्छा नहीं लगेगा ना भाई। अभी तो काफ़ी डरावना सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इधर तो। हाँ भाई उधर पूरा थोड़ा थोड़ा खाली था, इधर बीच में भी खाली था, अभी देखो उस तरफ से वो बड़े बड़े बादल पूरा सर के ऊपर आ गए, अभी फैल गए हैं चारों तरफ। आजकल प्रेडिक्शन का कुछ भरोसा नहीं भाई आजकल। प्रेडिक्शन में दिखाते बारिश नहीं होगी, लेकिन उसका ऑपोजिट ही होता है, उल्टा होता है भाई। ये प्रेडिक्शन के भरोसे रहोगे ना डुबा देंगे किसी दिन, देखो। हाँ भाई चावल को धो लेंगे ना। ऐसे हालात देखकर क्या लगता है तुमको? थोड़ा थोड़ा तो डर तेरा मंडरा रहा है भाई। बिल्कुल डर लग रहा है, चारों तरफ से घेर लिए है ना ये बादल सब हमको, ऊपर से अंधेरा भी हो गया है। हाँ भाई देखिए क्या होता है, अगर ज़्यादा बारिश हुआ तो टेंट में से बाहर निकलना मुमकिन नहीं होगा भाई, मुश्किल हो जाएगा। और खाना वाना जो बनाना पड़ेगा वो भी टेंट के अंदर बनाना पड़ेगा फिर। देखा कितनी बड़ी बिजली है अभी। आज तो कुछ भी परीक्षण नहीं था भाई। वही तो, कल थोड़ा थोड़ा परीक्षण था, तो लकड़ियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा लगता है मुझे। देखेंगे, बारिश तो कल की तरह वो बस्ते में भर देंगे उसको।
नहीं तो बारिश हो जाएगी तो भीग जाएंगे तो आग नहीं जलेंगे। क्योंकि हो सकता है अभी के लिए हमको आग नहीं चाहिए, लेकिन रात को तो चाहिए। रात को थोड़ा बारिश होने के बाद ठंड लगेगी तो वो भी हो सकता है, और सेफ्टी के लिए भी ज़रूरत है। देखते हैं, थोड़ा निगरानी रखो भाई, थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा टेंट के ऊपर गिरेगी तो फटाफट से वो हाँ लकड़ी का इंतजाम करेंगे भाई। बिल्कुल, उसको सेफ रखेंगे पहले। मैंने सोचा था आज बढ़िया मज़ा आएगा, पहाड़ी के ऊपर से मस्त रिलैक्सिंग होगा, मज़े लेंगे बढ़िया, लेकिन ये तो उल्टा हो गया आज। डरावना सिचुएशन क्रिएट हो रहा है अभी, चारों ओर घेर रहा है भाई। अरे बाप रे, इतना बड़ा बिजली भाई, देखा देखा भाई, इसी का ही डर है भाई। आज तो पास में चीता भी नहीं है भाई, इसी तो चीता नहीं है, फंस गए लगता है भाई, बुरे आज बुरे फंस गए। चीता नहीं है, ऊपर से ये बिजलियाँ देखो, बिजली होने के बाद कैसे आवाज, 3 या 4 सेकंड में ये आवाज आया, मतलब ये थोड़ा करीब ही है लगता है। एक काम कर सकते हैं, कम से कम वो तो दामिनी ऐप है ना, उसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये जरूर पता लगा सकते हैं बिजलियाँ यहाँ से कितनी दूरी पर हैं। फिलहाल देखते हैं, ट्राई करता हूँ, रुको। नेटवर्क पकड़ना ही मुश्किल हो रहा है भाई यहाँ पे। हाँ, चावल पक गया भाई, बढ़िया हो गया, तो सही कैलकुलेशन हो गया। बंद कर देंगे, रख देंगे, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, अंदर ही अंदर पक जाएगा। अभी बारिश गिरना शुरू, देख रहे हो थोड़ी थोड़ी हो रही है टेंट के ऊपर, और आसमान पर पूरा सर के ऊपर ना काले काले बादल छा गए हैं अभी, देख रहे हो। यहाँ बारिश चालू और उधर से बिजलियाँ, देखो अभी हुई ना बिजली, इधर से भी बिजली हो रही है, और पूरा आसमान सिचुएशन देखो भाई। भर देते हैं भाई। हाँ भर दो भाई, नहीं तो गीला हो जाएगा तो जलेगा नहीं, जलेगा। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, डर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, क्योंकि इतने सारे बिजलियों के लिए प्रेडिक्शन नहीं था ना, उसी हिसाब से हम प्रिपेयर नहीं है। अगर इतने सारे बिजलियों के प्रेडिक्शन पहले पता चलता तो हम चीते के साथ आते, कोई और लोकेशन चले जाते, ये लोकेशन पे ना आके। लेकिन हाँ भाई, हम तो विंटर कैंपिंग के लिए प्रिपेयर थे, ये विंटर के दिन रेन कैंपिंग हो जा रहा है। देखो जब भी आते हैं हम फंस जाते हैं भाई, मतलब जब बारिश चाहिए होती है तब तो नहीं मिलती, अब जब बारिश नहीं चाहिए वो भी बिजली के साथ स्वागत। थोड़े से धनिया पत्ते चाहिए, सलाद में डालेंगे, और बाकी चिकन पकाएंगे ना उसमें डालेंगे। हाँ भाई, धनिया पत्ता का खुशबू बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आएगा तो टेस्टी। हाँ तो ये छोटे छोटे कट हो गए, ये छोटे छोटे वाला सलाद के लिए यहाँ ही मिला देता हूँ। ऐसे ही कर लेंगे, यहाँ एक साथ सलाद बना लेंगे इसको। सलाद के लिए छोटा छोटा करने दे रहा हूँ मैं। हाँ, एक ही पीस को छोटे छोटे करो, 3 पीस चिकन में डाल देंगे भाई। यहाँ से देखा कितनी बड़ी बिजली अभी चमकी, आवाज आया सुने ना अभी। हाँ भाई, ये सीधे से ही काफी सारे बिजली आ रहे हैं भाई। सलाद के लिए छोटे छोटे पीस
डाल दे रहा हूँ भाई। हाँ हो जाएंगे ये नन्हे मुन्ने पीसेस। ना एक तीन और डालू? तीन और डालोगे तो सलाड तुम ही खाना भाई, तुमको मुबारक, मैं नहीं खाऊंगा। इतने काहे डरते हो भाई? अच्छा एक खा के दिखाओ तो जरा कच्चा। देखोगे? हाँ देखूंगा। आहा, ये हाथ में क्या है फिर है? मुझे क्या समझ रखा है भाई, मैं क्या मार्स से आया हूँ क्या? एलियन समझ रखा है? बेवकूफ बना रहे हो देखो। ऐसे करके ऐसे। दो तो एक तो नहीं खाया, दो देखो। हाँ हो गया। मतलब इतना तीखा मिर्च है ये भाई, गॉड आप खुशबू से पता लगा सकते हैं, मतलब मिर्ची के खुशबू। ओहो, मतलब कड़क वाली मिर्ची वाली जो खुशबू होती है ना, अंदर से छींक निकाल लेगी भाई ये। बहुत काले काले मिर्च भाई। हाँ एकदम तीखा और साथ में कड़क वाले, बिजली भी कड़क रहे हैं। देखो देखो पीछे से आके पीछे चारों तरफ से घेर घेर के बिजलियां। लेकिन वो उस तरफ है, इस तरफ देखोगे तो देखो तारे नजर आ रहे हैं, वहां पे थोड़ा गैप है। देखो ऐसी बिजली हुई अभी इस तरफ से, मतलब इतने पास में भी। मेरे तो रूह टांग गए। अरे भाई देखो देखो रूह कांप उठा, बोल रहे हो क्या? ऐसे ही अंदर रख के जुगाड़ू वाला काम चलाओ, खाना पकाना पड़ेगा। मतलब खाना तो काम चलाओ नहीं, काम करने का थोड़ा काम चलाओ, काम हो जाएगा, क्या करेंगे। और कब से तो ये चिकन मैरिनेट होके है, देखो भाई बढ़िया है। तो बढ़िया है भाई, सॉलिड है। थोड़ी देर और रुक जाओ, पहले हम ये प्याज व्याज सब कुछ भूनेंगे ना। लेकिन पहले ना तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर उसके बाद अपने साथ और भी क्या है देख रहे हो, तुम्हारा फेवरेट क्या है भाई? आइसक्रीम, सुहाना चिकन ग्रेवी मिक्स या आइसक्रीम नजर आ रहा है तुमको? चलो भाई तेल गर्म हो गया, प्याज मिर्ची डाल लेंगे अभी। लगता है प्याज हो गया, लगता है भाई। हो गया भाई, देखो कलर आ गया तो मस्त, भी पूरा फ्राइड प्याज की खुशबू भी आ रही है अभी। अब डाल देते हैं सुहाना का चिकन ग्रेवी मसाला, भुनेंगे अच्छी तरह से ना। बड़ा सा तो हो रहा है भाई। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी कम हो गई, लेकिन जो बिजलियां दूर दूर से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है फट रहे, फटने की, अभी फट रहे हैं। देखो भाई कब से तो ये चिकन मैरिनेट करके रखा था, और ये भी तेल मसाले अभी अलग हो रहे हैं, तो डाल देता हूँ अभी। हाँ डाल दो भाई। तो सुहाना का ग्रेवी मसाला तो डाल दिया भाई, चिकन के साथ भून रहा हूँ अभी। हमारा थोड़ा थोड़ा मसाला ऊपर भी थोड़ा थोड़ा डाल दो भाई, और थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे बोल रहे हो? कम हो जाएगा थोड़ा लगता है ना, वो थोड़ा एक्चुअली वो पैकेट में थोड़ा कम था, पहले इस्तेमाल किया था ना थोड़ा हमने, इसलिए तो अपने से थोड़ा थोड़ा मिला देंगे। और चलो पकने देते थोड़ी देर ऐसे। हाँ ठीक है भाई, ढक देंगे इसको नहीं तो। हाँ ढक दो। बड़ा वाला प्लेट किधर गया? बड़ा वाला किधर गया भाई? उस तरफ है क्या? देखो तो लो भाई ये वाला ढक लेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे, ठीक है? हाँ तब तक थोड़ा बाहर देखेंगे क्या क्या हाल है। हाँ चलो भाई देखते हैं। चलो भाई अभी तो बारिश पूरी तरह से रुक गई है बाहर, और बिजलियाँ जो यहाँ आसपास थे वो पूरा उस तरफ दूर दूर चले गए। अच्छा हुआ अब थोड़ा सुकून मिल रहा है, चैन की सांस ले पा रहे हैं भाई। हाँ भाई तो बिजलियों से बहुत डर लगता था,
उस टाइम में, तो लकड़ियाँ भी बचा के रखे थे हमने पानी से बचाने के लिए। ये लेकिन अच्छा किया, उस टाइम बारिश हुई थी ना, बच गई लकड़ियाँ हमारे, सूखे लकड़ी सूखे ही रहेंगे भाई। अभी बारिश तो रुक गई, आराम से बाहर यहाँ पर कैंप फायर लगा लेंगे, है कि नहीं? फिर से डाल दो वो लकड़ियाँ बाहर, डाल देता हूँ। हाँ उल्टा दो डायरेक्ट, उल्टा दो एकदम, उल्टा दो। अभी कैंप फायर के लिए बढ़िया सिचुएशन है, बारिश भी बंद है, अच्छा लगेगा ना। हाँ अच्छा हुआ लकड़ी को हम वास्तव में भर्ती किया था भाई, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाते फिर से, मतलब गीला हो जाता, लकड़ी नहीं लगता। और बीच में ना हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए QR कोड में स्कैन करके डायरेक्ट सपोर्ट दिया था टीना भाई पटेल जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए भाई, और चैनल को आगे भी सपोर्ट करने के लिए साइड में QR कोड आ रहा होगा, वहाँ पे स्कैन करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जो जो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सबको। सबसे पहले दही, प्याज और मिर्ची, बढ़िया सलाद हो जाएगा ये। अभी इसका चिकन का भी हालत देखते हैं थोड़ा। बढ़िया पका है भैया, देख रहे हो? हाँ बढ़िया तो दिख रहा है भाई। वाह वाह वाह, सॉलिड भाई, क्या खुशबू, ये तो हो गया ऑलमोस्ट, और थोड़ी देर बस, क्या करेंगे। ये जो धनिया पत्ते थे ना ये डाल देते हैं अभी ऊपर, और इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे अभी। चलो अभी कैंप फायर लगा लेंगे। देख रहे हो बढ़िया है भाई कलर भी, मुझे लगता है हो गया ये। देखो क्या लग रहा है तो बढ़िया, पूरा लजीज भाई। चलो और राइस भी बढ़िया बन गया भाई, परोस लेता हूँ अभी। हाँ परोस लो, मैं आग की तैयार कर रहा हूँ भाई। हाँ जलाते रहो, परोस के मैं ले आता हूँ। एकदम खिले खिले राइस भी देखो बढ़िया हो गए हैं। यहाँ पे बैठ के खाएंगे। हाँ भाई आग के मजा लेते हैं। हाँ सलाद तो पहले से ले आए थे, अभी आग के पास बीच बीच में ऐसे थोड़े थोड़े लकड़ियाँ भी डालते रहेंगे। राइस में थोड़ा थोड़ा ऐसे सलाद मिला लूँगा पहले में, अच्छा लगेगा। भाई तीखा भी है या मिर्च है वो। थोड़े थोड़े चिकन ग्रेवी मिला के खाएंगे और भी बढ़िया लगेगा। चिकन भी बढ़िया से गल गए हैं, देखो देखते हैं भाई कैसे हुआ है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। वाह
क्या टेस्ट भाई, सुपर। चिकन का जवाब ही नहीं भाई टेस्टिंग। ये धनिया पत्तों की वजह से और भी टेस्ट लग रहे हैं, है ना। सब काम खत्म भैया, हाँ सब काम खत्म हो गया भाई। आज का चिकन ग्रेवी मसाला बढ़िया था भाई। हाँ मज़ा आया, चिकन ग्रेवी बढ़िया बना था। डर लगा था वो बिजलियों से थोड़ा, लेकिन बाद में वो बिजली भी कम हो गई, चली गई, शुक्र है। अभी आराम से सो सकेंगे, रिलैक्सिंग हो के एकदम बढ़िया है कि नहीं। हाँ भाई, तो होप करते हैं हमारे जो यूट्यूब फैमिली है उनको भी रिलैक्सिंग बारिश पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बिल्कुल। तो ठीक है, रात में कुछ और दिखता है तो दिखाएंगे, नहीं तो मिलेंगे अगली वीडियो में। और जो जो अभी हमारे व्यूअर्स हैं हमको सपोर्ट करते हैं, सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दिल से, नमस्ते। तो होप करते हैं आगे भी ऐसे मेहनत से और भी नए नए वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहेंगे। और मैं बता दूं, खुशखबरी है, ड्रोन भी आने वाला है जल्दी, प्लान कर रहा हूं। जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था ना, और जो वो कैमरा सेल करके वो रिप्लेस करने की बात कर रहा था, तो वो प्लान ऑलमोस्ट हो गया है अभी। तो इसलिए मैं वो मतलब यूज वाला, सेकेंड हैंड वाला, नया तो अभी नहीं ले सकते, सेकेंड वाला वो ड्रोन ऑलमोस्ट रेडी है। तो जल्द ही वो भी आ जाएगा, अच्छे से व्यूज देखने को मिलेंगे, होप करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए विदाई दोस्तों, विदाई दीजिए दोस्तों, और रहा नहीं जाता, सो ही जाएंगे अभी, लेट तो ही नहीं आ जाएगी भाई आज तो। वाह वाह, क्या रिलैक्सिंग भाई, आराम। पहाड़ी ढलान चढ़ के ऊपर आना, चढ़ना करना बहुत मुश्किल वाला काम है भाई। अरे भाई पूछो मत, इतना मेहनत करते हैं, मेरा पेट क्यों नहीं कमता है भाई। मैं थोड़ा पेट कमाना चाहता हूँ, तो भी कम नहीं हो रहा है, क्या होता है ये। अच्छा, तो पहाड़ी चढ़ने के बाद घर में जाके जो चार प्लेट चिकन झिका लेते हो उसी का असर है भाई। तो यहाँ पहाड़ी चढ़ने के बाद घर में चिकन मत खाना फिर जाके। क्या करें भाई, घर में चिकन, कैंपिंग में चिकन। उसके लिए किस दवाई ववाई है नहीं है? हाँ दवाई है, वो छड़ी है ना, छड़ी लेके अपने आप को ऐसे मारते रहना पड़ेगा। चिकन मत खा, ढड़ा पनीर मत खा, जब भी खाने का मन करे अपने आप को ऐसे मारते रहोगे तो वो अच्छा दवाई है भाई। सही बोला भाई। घर पर ना दिमाग कौन दिया भाई, ऐसा दिमाग बोल रहे हो क्या? ये ऐसे मामलों में मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। वो चाचा चौधरी का नाम सुना था, उनसे ही ट्रेनिंग लिया था मैं। बड़ा आइडिया देते हो वो, तुम तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था भाई। क्या बोलते हैं भाई, क्या मंगल ग्रह में रहना चाहिए था बोल रहे हो क्या? ऐसे ही भाई। मंगल ग्रह में अकेले रखे करूंगा क्या बोलो तो, वहां पे कैंपिंग भी नहीं कर सकता, कैंपिंग बनाऊंगा तो वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकता, इंटरनेट नहीं होगा ना मंगल ग्रह पे। लाइट ये रहने देते हैं ना, बंद करता है, बुझा देंगे, बुझा देंगे ना, नहीं तो नींद कैसे आई। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, नमस्ते, राम राम, राम राम जी, बाद में बंद करेंगे। ठीक है, गुड नाइट भैया, गुड नाइट। अंदर आने से थोड़ा गर्मी लगता है। हाँ अंदर वार्म होता है, खाना पका लिया आज भी सोचा भाई। हाँ भाई।